हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले अपने हार्डकोर सीरीज। तो पिछली वीडियो में हमने बनाया था शुगर केन फार्म, जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और ये देखो, ये रहा। और मैंने नीचे एक एक्स्ट्रा चेस्ट भी लगा ली है, ये देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लगाई थी। और मैंने किया है, मैंने बहुत सारे क्या कहते हैं लाइब्रेरियन के लिए वो लगा दिया, क्या कहते हैं उसे, नाम पर कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन ये और इनसे मेरे को, ये तू कौन है, ये रहा फॉर्च्यून टू, जिससे मेरे को फॉर्च्यून मिलेगी। और ये कौन है, ये मेंडिंग वाला, जिससे मैंने ट्रेड करके मेंडिंग की प्राइस कम करवा ली। और ये कौन है, शार्पनेस फोर, लेकिन ये महंगी बेचता है। कोई नहीं, सो जाओ। अरे नहीं, मेरे को इनको ब्रीड करवाना है ना, इनके लिए पहले एक बेड लगा लेता हूँ। कहाँ लगाऊँ, यहाँ पे ही लगा देता हूँ। ये लो, रात को उठ जाएगी। वाह, खाना देखते ही उठ गए। जाओ बच्चे पैदा करो, तू भी ले। ये बड़ा सोतू इंसान है। कोई नहीं, करो करो, उठो उठो, मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं वही करूँगा, ट्रेड करूँगा बहुत ज़्यादा। और मैं एक फॉर्च्यून लूँगा ताकि मैं अपने वो यूज़ कर सकूँ। तो ये सारे ले लेता हूँ। चलो, इतना आज के लिए काफ़ी है। चलो, अभी पेपर कौन लेगा मेरे से, चलते उसके पास। हम पेपर लेने वाला कौन है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ओ बच्चा हो गया, ये रहा पेपर वाला, इसे लूंगा पेपर। ट्रेड ही खत्म हो गई 16 के बाद। गरीब है थोड़ा ये। और मेरे को यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा एक चेस्ट, वरना ये बच्चा बाहर निकल जाएगा। ये बड़ा होने तो थोड़ी देर हो जाएगी, तब तक बड़ा हो जाएगा। और तब तक हम ये पेपर रख देते हैं। और मेरे पुराने एमराल्ड्स का है, ये रहे, तो लगभग 44 एमराल्ड्स है। तो आज मुझे फॉर्च्यून चाहिए, फॉर्च्यून टू ये चाहिए। और बस दो फॉर्च्यून टू की मिल गई। अब मेरा एनविल कहाँ गया, एनविल मैंने यहाँ पे तो नहीं रखा, क्या ऊपर रखा है क्या? तो गाइस, मैंने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बना दी है। और ये मैंने ग्लोस्टोन भी लगाया था नेदर से लाके। तो दो फॉर्च्यून टू से एक फॉर्च्यून थ्री बन गया। गाइस, लगता है एक और टाइम लैप्स करना पड़ेगा, मेरे को ये सारी वीड्स वगैरह भी लेनी है। तो चलो, टाइम लैप शुरू। तो चलो, सारी चीज़ें हो गई, अब रख देता हूँ इन्हें भी। गाजर बहुत ज़्यादा हो गया है। और पेपर लेके आते हैं। खाली हो गया अभी से।
क्या प्लान है देखो, एक तो मैंने गाजर वगैरह लिए थे ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद जस्ट यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने आया था और ये आ गया। पिछली वीडियो में मैंने ये स्टार्ट किया था और अब तक तो मैंने कंप्लीट भी कर लिया है ये देखो। और हमारा शुगर केन फार्म अभी भी बढ़िया चल रहा है और मैंने बहुत सारी चीज़ें खाली भी कर दी क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने एक फार्मर को रखा है जिसे मैंने यहाँ पे छुपा के रखा है, मतलब छुपा के नहीं, ये देखो लेवल सभी आ रहे हैं। अभी जस्ट ट्रेडिंग करके आया और इसके ये पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अभी क्या करना है पता है गाइस? पता है मैंने ये इधर दरवाज़ा खोल कर रखा है क्योंकि यहाँ पे गिर जाते हैं बार बार चीज़ें। ये देखो 42 तो यहाँ पे ही गिरी पड़ी है। तो गाइस अभी मेरे 32 लेवल हो चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी डायमंड पिकैक्स को करूँ एनचेंट। तो चलो लेते हैं, लैपिस 3 ही चाहिए, भगवान करे कोई अच्छी बढ़िया चीज़ आ जाए। अनब्रेकिंग 3 ही आई है ये, फॉर्चून 3 ले लेता हूँ। एफिशिएंसी वगैरह मैं बाद में ले लूँगा, लगा दूंगा मतलब। तो लगाते फॉर्चून 3, 7 लेवल, उल्टा करे तो नहीं होगा, कोई नहीं ऐसे ही ठीक है। तो फॉर्चून 3 आ गई है। अब अपने पास कितने डायमंड्स थे, एक सेकेंड याद नहीं आ रहा मेरे को, 13 डायमंड्स है। देखते इस 13 डायमंड से हमारे कितने वो चीज़ें बनती है। ये पेपर्स इसमें रख देता हूँ और ये सारी चीज़ें भी रख देता हूँ। ओ मेरा खेत वापस उग गया, तो ये भी रख देता हूँ संभाल के। तो 13 डायमंड्स है, चलो स्टार्ट कर दे 1 2। तो गाइस मैं आ गया ऊपर और अब शुरू करते हैं अपना डायमंड्स निकालने का सिलसिला। देखते कितने डायमंड्स आएंगे, यहाँ पे अभी नहीं देखूंगा, अभी नहीं देखने, गैस करना आप कितने होंगे। और ये आखिरी डायमंड्स भी हो गया, और कितने, 29, बढ़िया है, 13 से 29। जो इन चलो इनका आर्मर बना देते हैं सबसे पहले। और अभी 5 डायमंड बचे, एक की स्वॉर्ड, एक की शवल, हो ही मेरे को नहीं बनानी, एक और डायमंड चाहिए होगा। चलो स्वॉर्ड के लिए लग देते हैं, चलो डायमंड की स्वॉर्ड बनाने के लिए काम शुरू करते हैं। तो आ गई हमारी डायमंड की स्वॉर्ड भी, जिसे अब यूज़ नहीं करेंगे, एनचेंट करने के बाद करेंगे। और एक बार इन्हें पहन लेता हूँ, एक सेकंड में अपने शेडर्स लगा देता हूँ, उसमें देखता हूँ कैसा आता है। 2000 years later. तो ये है हमारा आयरन का आर्मर, और अभी डायमंड का पहनते हैं। वाह डायमंड का तो क्या ही बढ़िया लग रहा है। एक सेकंड लाइटिंग में जाते हैं, बाहर जाते हैं। यहाँ पे बढ़िया लाइटिंग आ रही है। ये मैं गायब कैसे हो रहा हूँ? तो ये रहा हमारा डायमंड का आर्मर, काफी बढ़िया लग रहा है, एकदम तगड़ा। तो डायमंड का आर्मर अभी से पहनना शुरू करें या फिर बाद में? नहीं बाद में, अभी तो वैसे भी कोई जरूरत है नहीं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और मैं ऐसा आउटरो क्यों कर रहा है, क्योंकि मेरे बीच में कॉल आ गया था जिसलिए आउटरो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अभी एडिटिंग के वक्त याद आया कि अरे आउटरो रिकॉर्ड करना है, तो अभी कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जानते हो ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी है और ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पक्का बहुत गजब होने वाली है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और मेरे 600 सब्सक्राइबर होने आए यार, करा दो पूरे, अपने मम्मी पापा का जिसका भी फोन मिले सबसे सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।